मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। तो टाइम हो चुका है 5:30 और हम उठ चुके हैं और चाय वगैरह चाय जो अभी कुछ पिया नहीं है क्योंकि अभी जा रहे हैं बाहर सब। तो मम्मी उठ चुकी हैं, भाभी उठ चुकी हैं, मम्मी मैं और मेरी बड़ी बहन जा रही है पार्क में। तो पार्क में जाएंगे और वहाँ का मस्त शूट करेंगे क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करूँगी, मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी घर पे आके, क्योंकि मुझे फेस टू फेस मुझे बात करना नहीं होता है मुझसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पार्क में, सब लोग होते हैं तो मुझसे नहीं बोला जाता है कैमरे में। बस मैं क्लिप ऐड कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मेरे यहाँ का कैसा माहौल है, कैसा पार्क है, हम कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पानी पी लेती हूँ और इधर अंधेरा है बाकी की लोग सो रहे हैं सारे। तो पहले पीते पानी और पानी पीने के लिए पी लेते हैं ग्लास। अब चलते हैं घूमने के लिए। इसमें ना आवाज जा रही कम हो, तो बस अब निकलते हैं और हल्का हल्का भी अंधेरा है तो हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। मैं थोड़ा ब्लॉग बनाऊं, चलो और इधर मम भाभी देंगे जो कीड़े नाल होती है ना, कीड़े होते हैं मीन्स के मकोड़े होते हैं जो कीड़े नाल बोलते हैं मेरे यहाँ पे, तो उनको आटा डाल रही है और इधर गाय है साथ में, तो इनको मम्मी रोटी डालेगी और इधर थोड़ी पेड़ पे चढ़ी बिल्ली बैठी हुई है और कुत्ते से छुप के कुत्ते का कुत्ता वेट कर रहा है बिल्ली का। और अब जाएंगे थोड़ी देर और ना तो ये कुत्ता अचानक से पीछे आ गया मेरे पैर के मुंह लगाया, मैं चिल्लाई एकदम मम्मी, तो ये मम्मी कह रही क्या हो गया भाई कुत्ता, तो मम्मी बोली इसको पसंद नहीं आया, तूने इसकी वीडियो बनाई अच्छे से नहीं बनाई ना पोज लेके, इसलिए इसको गुस्सा आ गया, तुझे काटने के लिए भाग रहा था ये। और तो ये था कुत्ता, मुझे बहुत ज़्यादा डर गई थी बहुत ज़्यादा। और ये है इधर शायद गुल्लर बोलते हैं इनका, गुल्लर का पेड़ है जिसपे कि पकी हुए भी हैं कच्चे भी हैं। और इधर मम्मी और भाभी निकाल रही हैं कान्हा जी के लिए फूल। और ये है इधर पार्क, और ये है हमारा पार्क। इधर पार्क बहुत जाते हैं पर हम पार्क में नहीं जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज की मशीन लगी हुई है सारे यहाँ पे और एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता और फिर हम बस सिर्फ वॉक करते हैं और लंबा रूट लगा के फिर घर पे आ जाते हैं क्योंकि काम होता है भाभी को, इसलिए अगर बच्चे होते हैं साथ में तो हम लोग इधर रुकते हैं क्योंकि इधर झूला वगैरह है तो बच्चे झूल लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं रुकते हैं। एक्सरसाइज करनी होती कभी कभार मन करता तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर राउंड मार के जो राउंड हमें मारते हैं राउंड मार के फिर हम निकल लेते हैं घर के लिए। और इधर ये गाड़ी वॉश करने वाला भैया भी है और इधर ये आम के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारी आम ही है, मैं अभी ये दिखाऊंगी आगे वाले में। और इधर मम्मी तोड़ रही है कान्हा जी के लिए फूल, पीछे भी पहले भी तोड़ा था और अभी भी तोड़ रही हैं क्योंकि जो घर पे लड्डू गोपाल उनकी पूजा की जाती है डेली में, तो उनके लिए फूल तोड़ रही हैं मम्मी और भाभी। तो भाभी को बहुत ज़्यादा शौक है पूजा पाठ का और लड्डू गोपाल का। तो इधर हैं ये मेरी मम्मी और मेरी मम्मी को कैमरा दिखते ही मम्मी हो जाती है बिल्कुल पोज में क्योंकि उनको शौक है वीडियोस बनवाने का और फ़ोटोज़ खिंचवाने का। तो इधर ये है मेरी
मैं आपको कम ही दिखूंगी मेरी वीडियोस में, क्योंकि मुझे खुद ही ब्लॉगिंग करनी होती है। दूसरा आगे कि मम्मी को तो ब्लॉगिंग करने नहीं आती है और ना ही भाभी को ब्लॉगिंग करने आती है। और जो छोटा भाई था आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, तो वो चला गया अपने घर पे। और आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं, मेरा घर मेन रोड पे है और इधर। और ये आम का पेड़ जिसपे कि आम भी बहुत सारी लगी हुई है, गुच्छे। ये गुच्छे देखिए आम के। हाँ ये देखिए। अभी आए हैं बस पार्क से और सबसे पहले बनाएंगे चाय। तो चाय के लिए मैंने ले लिया है भगोना और अभी चाय रखूँगी सबके लिए। जब मुझे बस सिर्फ चाय चढ़ानी है, बाकी काम भाभी करेगी। भाभी भाभी को छानेंगी और सब कुछ उसमें चढ़ाना, पानी और चाय पत्ती डालेंगे, बाकी काम भाभी करेंगी। क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, भाभी की हेल्प करवाएंगे, थोड़ा सा जल्दी काम पड़ जाएगा, फिर होगी हमारे साथ रेस्ट कर लेंगे बैठ के बाकी करेंगे। तो अभी चढ़ा देती हूँ चाय, उसके बाद फिर बैंक बैठ के पीएंगे सारे लोग चाय। और चाय पी के, चाय पीने के बाद फिर खाना वगैरह बनेगा। तो अभी डिसाइड नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, जो बनेगा आपके पास सेट किया जाएगा। तो चढ़ा देते हैं, चाय उबल चुकी है तो इसमें डाल देंगे। और ये इधर भाभी दे रही है सबको, जो लड्डू गोपाल है उनके लिए पानी रखती है मटके में। मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग अपलोड किया था 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि हम कान्हा जी के लिए पानी रखते हैं मटके में। तो वो पानी डेली की डेली भाभी इसको नया पानी डाल देती है अलग से, ताज़ा पानी। और जो रखा हुआ पानी होता है वो सब बच्चों में बांट देती हैं, थोड़ा थोड़ा सब लोग पी लेते हैं। और हम लोग पीते हैं स्टील के बर्तन में, मैं कप में बहुत कम पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते हैं। और भाभी बना रही है पापा के लिए फीकी चाय, क्योंकि इनको मीठी चाय पसंद नहीं है। और इधर हम लोग बैठ गए हैं सब, लड्डू और बिस्किट और चाय ले कर सब। तो बाकी के लोग आ रहे हैं और हम लोग बैठ गए हैं सेट होके सारे, और सारे इस पर बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, चाय पियेंगे, मस्ती धमाल हो जाता। सुबह सुबह ये टाइम बस आधा घंटा एक घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलता। फिर उसके बाद जो काम होता है क्लीनिंग वगैरह का, हम सब मिलके जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट, ताकि भाभी को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको रेस्ट मिल जाए। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के हम या सिलाई कर लेते हैं या टीवी देखते हैं या गप्पे मार लेते हैं। मुझे वीडियो बनाने में वीडियो बना लेती हूँ या एडिट कर लेती हूँ, तो ये काम हो जाता है मेरा माइक के में सारा दिन। तो और खाने बनाते तोरी की सब्ज़ी, आलू की चटनी, साथ में हाथ की रोटी और लस्सी। तो यही था मेरा खाना, और सिंपल सा खाना है पर अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के खाना। तो तोरी की सब्ज़ी अच्छी बनी थी, और जो आलू की सब्ज़ी थी मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो खाना हमारा हो चुका है सबका, और सब इधर करेंगे रेस्ट, बाकी के लोग सब सेट हो चुके हैं। और इसके बाद आ गया था खीरा कट के, तो मैं खीरा खाऊंगी। और इस ब्लॉग का करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ में ध्यान रखिएगा, बाय बाय। मेरे पास